वेलकम अगेन, माई सेल्फ विनय पांडे। स्टूडेंट्स, बीटा एंड गामा फंक्शन का आज थर्ड वीडियो मैं आपके सामने लेकर गया हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और किसी इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज का जो वीडियो बेस्ड है वो बीटा फंक्शन पर ही बेस्ड है। अभी हमने गामा फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, बीटा फंक्शन पे ही आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम बीटा फंक्शन की अलग अलग फॉर्म्स पढ़ेंगे और बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में रिलेशंस हम आगे के वीडियोस में शुरू कर देंगे। आज का वीडियो फिर से बीटा फंक्शन के न्यूमेरिकल्स पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है न्यूमेरिकल। आपको इस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, बीटा एम एन में कन्वर्ट करना है। बीटा एम एन क्या था? बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या था? 0 to 1, एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और एम और एन क्या थे? दोनों पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 to 1, एक्स की पावर एम माइनस वन। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख दे रहे हैं। एक्स की पावर कितनी है? एम माइनस वन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर m माइनस वन लिख दिया मैंने, वन माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन लिख दिया। अब देखते हैं कौन कौन से टर्म्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं या कौन कौन से टर्म्स बैलेंस हो चुके हैं। न्यूमरेटर तो बैलेंस हो गया, a प्लस बी एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे? m प्लस एन, ए प्लस बी एक्स की पावर m माइनस वन, एन माइनस वन, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो m प्लस एन माइनस टू आ जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर भी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है न्यूमेरिकल। पुटिंग x अपॉन a प्लस बी एक्स, ये x अपॉन a प्लस बी एक्स को हम मान लेते हैं y अपॉन a प्लस बी। ऐसा क्यों माना है ये अभी आपको आगे सॉल्यूशन में पता लगेगा, क्योंकि इसी सब्स्टिट्यूशन से आपका ये फंक्शन बीटा फंक्शन के इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे, अभी इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, यू अपॉन बी का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी एक्स, एक्स का क्या होगा? डी एक्स माइनस, फिर एक्स ऐसे रहेगा ए का जीरो, बी एक्स का क्या हो जाएगा? बी डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स डी एक्स, बी एक्स डी एक्स ही कैंसिल हो जा रहा है टर्म, तो आपको सिर्फ मिल रहा है ए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन a इंटू ए प्लस बी। आप देखिए, ये डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ भी रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम बाद में इससे रिप्लेस कर देंगे। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन हमको मिल गया, इसको भी हमने y अपॉन ए प्लस बी मान लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी हमको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इस स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर में मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा a प्लस बी एक्स। इस टर्म को मैं वाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, वन अपॉन ए ए प्लस, इसमें बी एक्स मैंने ऐड कर दिया और बी एक्स मैंने माइनस कर दिया अपॉन ए प्लस बी एक्स, वन अपॉन ए ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये वन हो जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, वन अपॉन ए, वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स किसके इक्वल है? वाई अपॉन ए प्लस बी के। तो इसको आप ध्यान से देखिए, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह पे हम अगर ये सब्स्टिट्यूशन रखेंगे वाई अपॉन ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा सिर्फ, या मैं इसको ये कहूं कि a प्लस बी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा टर्म इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा y। तो इस टर्म को भी y में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने y के टर्म्स में लिया है, इसको भी हमने y के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है।
अब क्या है, लिमिट का चेंज करना है। जब एक्स जीरो है देन वाई कितना आएगा, देखिए अब अगर एक्स जीरो रखनी तो ये जीरो हो जाएगा, ए जीरो अपॉन ए के हो जाएगा जीरो, तो वाई की लिमिट कितनी आ गई, जीरो। जब एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की लिमिट कितनी आ गई, वन। तो स्टूडेंट्स यही मेन रीजन था कि इसको हमने एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स को हमने ये वाई अपॉन ए प्लस बी क्यों माना, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन के रखने की वजह से आपकी जो लिमिट है वो लिमिट में भी अभी भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, अभी भी जीरो से वन ही है, और जीरो से वन है तभी ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन सकता है। तो आपको लिमिट में भी उसी तरीके से चेंज नहीं करना था। तो अब ये इंटीग्रेशन को हम ये सारी वैल्यूज यहां रख लेते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, लिमिट तो जीरो से वन है, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की जगह आ जाएगा वाई अपॉन ए प्लस बी की पावर एन माइनस वन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आई हुई है वन माइनस वाई अपॉन ए की पावर एन माइनस वन, और ये डीएक्स अपॉन इसकी वैल्यू हमने यहां निकाली हुई है, तो ये वैल्यू भी रख लेते हैं, डी वाई अपॉन ए ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, पहले ये ए ए और ए प्लस बी वाली पावर्स को अलग बाहर कर लेते हैं, वन अपॉन ए की पावर कितनी एन माइनस वन, और यहाँ कितनी पावर है वन, तो ये ए की पावर एन हो गया, ए प्लस बी की पावर एम माइनस वन, ए प्लस बी की पावर कितनी है वन, तो ये कितनी हो गई, ए प्लस बी की पावर कितनी हो गई, एम हो जाएगी। इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, जीरो से वन वाई की पावर एम माइनस वन, वन माइनस वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। देखिए कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में बीटा फंक्शन का डायरेक्टली हमको फॉर्मूला मिल गया, तो ये हो गया वन अपॉन ए की पावर एन ए प्लस बी की पावर एम, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है देख लीजिए आप, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट वीडियो से, ये फॉर्मूला बन गया बीटा एम एन का। तो थोड़ा अलग ट्रेंड का क्वेश्चन था, लेकिन करना हमको वही था, इसको सब्स्टिट्यूशन करके हमको बीटा फंक्शन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, और कन्वर्ट करके हमको इजीली इसका आंसर मिल गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बीटा फंक्शन का ये रेशियो दिया हुआ है और इसको क्या प्रूफ करना है, एम अपॉन एम प्लस वन। अब अगर मैं बीटा एम प्लस वन और एन इस बीटा फंक्शन की वैल्यू निकालूं, तो आपको मैंने बीटा फंक्शन की सबसे पहले वीडियो में दो प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, तो सिमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा एन कॉमा एम प्लस वन लिख सकते हैं इसको। अब बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जीरो टू वन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एम प्लस वन माइनस वन, यानी कि ये बन जाएगा डीएक्स। अगर इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट आइटरेट करके हम लगाएं तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें लिमिट लगा देंगे जीरो टू वन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन, और एक माइनस का साइन आएगा, ये माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन होगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर एन अपॉन एन डी एक्स। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के मैंने इंटीग्रेट कर दिया। पहले वाले फंक्शन में अगर आप लिमिट लगाएंगे तो हायर लिमिट में भी ये जीरो बन जाएगा और लोअर लिमिट में भी ये जीरो बन जाएगा, यानी कि पहला टर्म तो हट गया इसका। सेकेंड टर्म देखिए एम अपॉन एन जीरो टू वन एक्स की पावर एन वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। देखिए एम अपॉन एन ये जीरो टू वन, ये जो एक्स की पावर एन है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स बैलेंस रहेगा, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। एम अपॉन एन जीरो टू वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस एक्स को मैं लिख सकता हूं वन माइनस एक्स। देखिए अगर ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये फिर से ये बन जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। इस स्टेप को और इस स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे देखिए एम अपॉन एन, ये टर्म दो टर्म मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दो इंटीग्रेशन को दो टर्म्स में मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, जीरो से वन पहला टर्म क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन,
और ये से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 1 - x की पावर m - 1 dx। सेकेंड टर्म क्या आएगा, माइनस में आएगा, m अपॉन n 0 to 1 क्या आ जाएगा, x की पावर n - 1, और 1 - x की पावर कितनी हो जाएगी, m - 1 + 1 dx। तो ये 1 - x, इससे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पहला इंटीग्रेशन, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो सेकंड इंटीग्रेशन। दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया, m अपॉन n। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, बीटा nm का, माइनस m अपॉन n 0 to 1 x की पावर n - 1, 1 - x की पावर m + 1 - 1 dx। 1 से कैंसिल नहीं करना है उसको, क्योंकि बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है वो। बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम बीटा mn भी लिख सकते हैं, m अपॉन n। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, बीटा n कॉमा m+1, m अपॉन n बीटा mn माइनस m अपॉन n बीटा। बीटा फंक्शन इज अ सिमेट्रिक फंक्शन, इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, m+1, n लिख सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, m+1, n। इसको इधर लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + m / n बीटा m+1, n। और राइट साइड में क्या बचेगा, m / n बीटा mn। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m+n / n बीटा m+1, n। ये हो जाएगा m / n बीटा mn। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, इस बीटा mn को अपॉन में ले आते हैं इसके, तो बीटा m+1, n अपॉन बीटा mn। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, m/n। और आप देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था आपको, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट तरीके से सोचना है, लॉजिक आपको वही लगाना है बीटा फंक्शन का, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सोचने का आपको प्रोसीजर जो है, सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग तरीके से देखना है। तो ये बीटा फंक्शन के कन्वर्जन के मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स आज कराए, तो आगे का जो वीडियो रहेगा, अब इसके बाद बीटा फंक्शन की नेक्स्ट अलग एक फॉर्म होती है 0 से इन्फिनिटी वाली फॉर्म, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा नेक्स्ट वीडियो।